आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डायगोनल क्या होता है और डायगोनल किस तरीके से निकाला जाता है, ओके। क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि कॉलम कैसे बनाना है। तो जब हम कॉलम बनाएंगे तो उसमें जो है हम डायगोनल चेक करेंगे, तो आपको जो है पता होना चाहिए कि डायगोनल क्या होता है, कैसे चेक किया जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको पहले से पता है कि डायगोनल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आपको पता नहीं है, अगर आप बिल्कुल नए हो, तो जो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि डायगोनल होता क्या है और कैसे निकाला जाता है, ओके। तो सबसे पहले अगर हम डायगोनल का जो मीनिंग होता है वो अगर देखें, तो डायगोनल मतलब होता है, आप बोल सकते हो अपने लैंग्वेज में तिरछा। तिरछा शायद आपको पता होगा, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और इसको बोलते हैं हम विकर्ण हिंदी में। आप सर्च भी कर सकते हो गूगल में जाके, डायरेक्ट आपको यही सब मीनिंग मिलेगा, ठीक है। तो आइए आपको हम जो है कुछ एग्जांपल देते हैं, ताकि आपको समझ में आ पाए कि डायगोनल मतलब होता क्या है, ओके। तो यहाँ पे मैं एक स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ओके। अब इसका हमें अगर डायगोनल चेक करना है तो हम क्या करेंगे, हम टेप देखेंगे, मतलब इस कॉर्नर से लेकर के और इस कॉर्नर तक, ठीक है। तो मान लीजिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमारा लेंथ मान लीजिए हमारा आ गया 1 मीटर, ठीक है। तो इधर से हम फिर से टेप चेक करेंगे, मतलब ये वाला कॉर्नर से यहाँ तक, ओके। तो ये भी 1 मीटर आ गया, मतलब कि ये डायगोनल मतलब इसका बराबर है, मतलब इसका जो तिरछा ये मेजरमेंट या फिर विकर्ण जिसको हम बोलते हैं वो बिल्कुल बराबर है, तो इसको हम डायगोनल कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से है, ओके। और अब मैं आपको बोलूं कि इसका डायगोनल चेक कीजिए, तो आप डायगोनल चेक करोगे मतलब कि यहाँ से आप टेप पकड़ोगे, इस कोने तक आप चेक करोगे, ठीक है, और फिर इस कोने से इस कोने तक चेक करोगे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये डायगोनल में नहीं है। क्यों डायगोनल में नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ से और यहाँ तक चेक करोगे तो ये तो 1 मीटर आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये वाला को, तो ये वाला कोना जो है बाहर तरफ निकला हुआ है, तो मतलब कि दोनों का मेजरमेंट अलग अलग आएगा, मतलब कि इसका मेजरमेंट और इसका मेजरमेंट दोनों का अलग अलग मेजरमेंट आएगा, ओके। तो आपको तो ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है मतलब डायगोनल होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे और मैं एक आध एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ओके। तो अब मैं आपसे अगर पूछूँ कि दोनों में से डायगोनल कौन सा है, तो आपका जवाब यही होगा कि इसका अगर हम चेक करें, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम डिस्टेंस चेक करें, ठीक है, और यहाँ से यहाँ कर अगर हम डिस्टेंस चेक करें, तो दोनों का मान लीजिए सेम आ गया, कुछ भी आ सकता है, 1 मीटर आ सकता है या फिर 1200 आ सकता है, मतलब 1200 आ सकता है, 1300, कुछ भी जितना भी आए, ये वाला और ये वाला दोनों अगर सेम आता है, ठीक है, तो उसको हम डायगोनल बोलेंगे। और अगर यहाँ पर आप देखें तो ये जो है मतलब यहाँ से और यहाँ तक ये थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है और ये थोड़ा कम है, ठीक है। तो जब आप इसको टेप से जब आप देखोगे, जब आप चेक करोगे, तो ये आपका कम ज़्यादा आएगा, मतलब ये आपका ज़्यादा आ जाएगा और ये आपका कम आएगा, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल जो है डिफरेंट पता चल गया होगा कि क्या होता है, ओके। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है या कैसे इसको निकालना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे मैं एक स्क्वायर लेता हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो है इस टाइप से रहेगा, मतलब पूरा एग्जैक्ट स्क्वायर रहेगा तभी उसका डायगोनल सेम आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये रेक्टेंगल होता है, मतलब इस तरीके से भी रहता है जिसको आयताकार बोलते हैं, अगर इस टाइप से भी रहता है तो इसका भी डायगोनल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे पाइप का फिर होना चाहिए, तो जी हाँ पाइप का भी होगा, मतलब ये यहाँ पे मान लीजिए एक पाइप है, तो इसका अगर हम यहाँ पे डायगोनल चेक करें, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पाइप का डायगोनल क्या हो गया, पाइप का डायगोनल इसका डाया हो गया बेसिकली, ठीक है। इसको डायगोनल हम नहीं बोलेंगे, मतलब डायगोनल को ही हम इसका डाया बोलते हैं, ठीक है, थीके? मतलब कि इसका जो डाया है वो डायगोनल दोनों सेम है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो सेम आएगा, ओके। और फिर अगर हम इधर से चेक करें तो भी सेम आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल राउंड है, ठीक है। तो कहीं से भी हम चेक करेंगे तो सेम ही आएगा, मतलब इसका डायगोनल इसका डाया के बराबर होगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। तो स्क्वायर में कैसे निकालना है आपको इसका डायगोनल, वो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि इसके पहले भी मैंने आपको जो है बताया हुआ है, लेकिन फिर मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। तो मैंने आपको इसके पहले बताया था कि ट्राइंगल का जो है कैसे हम, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज का हम कर्ण कैसे निकालते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण का लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 त्रिभुज है, मतलब कि एक ये वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 त्रिभुज है हमारे पास, तो यहाँ पर हम त्रिभुज का ही समझिए कर्ण निकालेंगे, ठीक है। मतलब एक त्रिभुज रहता है तो उसको कर्ण बोलते हैं, यहाँ पर इसमें 2 त्रिभुज है इसलिए इसको विकर्ण बोलते होंगे। तो
यहाँ पे हम कर्व निकालेंगे। तो मान लीजिए जब हम चेक कर रहे हैं, तो मान लीजिए इसका मीटर, इसका लेंथ मान लीजिए 1 मीटर हो गया, ठीक है, और इसका भी लेंथ कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। तो दोनों का जब हम कर्व निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसको क्या करना है, आपको कैलकुलेटर में रूट अंडर करना है, और यहाँ पे आपको 1000 का स्क्वायर करना है और प्लस 1000 का स्क्वायर करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1414। ओके, 1414, मतलब ये जो कर्ण का जो लेंथ है वो कितना है, 1414। जब आप टेप से चेक करोगे इसका डायगोनल चेक करने के लिए, तो आपका आंसर आना चाहिए 1414, मतलब इधर से भी 1414 आना चाहिए, और जब आप इधर से टेप चेक करोगे तो इधर से भी सेम आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम डायगोनल चेक करते हैं। आइए इसको देख लेते हैं। तो इसका डायगोनल हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, लाइन थोड़ा सीधा नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा मैनेज कीजिए। ओके, मतलब ये सीधा ही लाइन रहेगा, मतलब कि अगर यहाँ से और यहाँ तक हम चेक करेंगे तो हमारा कोई भी आंसर मान लीजिए 2 मीटर या 4 मीटर जितना भी आता है, ठीक है, तो ये भी सेम आया, तो ये डायगनल में हो गया। अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ का मान लीजिए जो भी हमारा लेंथ है, ये मान लीजिए 1 मीटर है, ठीक है, ये मान लीजिए 1 मीटर है, और ये वाला इसको मान लीजिए ये 2 मीटर है। ओके, तो इसका हम कैसे डायगनल निकालेंगे, इस तरीके से हम डायगनल निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, 1 मीटर का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 2 मीटर का स्क्वायर कर देंगे, तो कैलकुलेटर में डालेंगे एक आंसर आ जाएगा, वही इसका डायगनल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायगनल चेक करना है। तो जब नेक्स्ट वीडियो जब हमारा आएगा तो उसमें हम जो है इस तरीके से डायगनल का यूज करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि डायगनल क्या होता है और किस तरीके से निकाला जाता है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में जब हम जो है कॉलम इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है, ये मान लीजिए इसका बेस प्लेट हो गया, जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और ये इसका ब्रेसिंग हो गया। ओके, जब हम इसको लाइव जब बना के दिखाएंगे, तो जब हम इसका जब डायगनल चेक करेंगे तो उस टाइम पे आपको जो है अब क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो है बहुत सारा वीडियो जो है बना के रखा हुआ है, ठीक है, पाइप फिटर के ऊपर, मतलब पाइप फिटर का जो भी काम होता है बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल हमने बना के रखा हुआ है वीडियो। उसके बाद स्ट्रक्चर फिटर, मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर फिटर का काम सीखना चाहता है तो उसके लिए भी, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग फिटर का काम जो है, जो भी ड्राइंग फिटर से जो भी रिलेटेड वीडियो है वो भी हमने जो है बना के रखा हुआ है। और उसके बाद ड्राइंग के प्रकार, वो सब जितना भी मतलब इंपॉर्टेंट वीडियो हमने 150-200 वीडियो अभी तक जो है हमने बनाया हुआ है। तो आपको अगर देखना है तो सिंपली आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है फिटर की पूरी जानकारी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, चैनल में जाना है, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में जाना है, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाने के बाद वहाँ पर आपको जो है जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया, पाइप फिटर से रिलेटेड, स्ट्रक्चर फिटर, ड्राइंग फिटर, या फिर आपको टैंक कैसे बनाना है, चिमनी कैसे बनाना है, चिमनी के ऊपर तो अभी वीडियो नहीं है, लेकिन जल्द ही मैं जो है वो सब भी वीडियो धीरे धीरे डालूंगा। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।